नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा रहे हैं, आजकल क्या हो रहा है, ग्राफ्ट में बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही है और एक लंबे समय से जो है मैं किस तरीके से ग्राफ्ट को काउंट किया जा सके उसके ऊपर एक अपना खुद का एक रिसर्च चला रहा हूँ और कई सारे लोगों में हेल्प लेने की कोशिश कर रहा हूँ, कई डॉक्टर्स की, और उसके उसका जो निचोड़ है आज के वीडियो में आपको मिलेगा। मैं ग्राफ्ट काउंटिंग की एक पूरी सीरीज लाने वाला हूं बहुत जल्द। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मुझे कुछ बुनियादी बातें जो हैं आपको समझानी है और जिसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, आपका मुझे टाइम चाहिए है, ठीक है। इस वीडियो में थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आप में से जितने भी लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने के लिए जाने का सोच रहे हैं आपको सच में इसका बेनिफिट मिलेगा। एग्जैक्ट काउंटिंग ऑफ ग्राफ्ट तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि वही मिलेगा, लेकिन अप्रॉक्स 100-200 आगे पीछे के आसपास मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि किस तरीके से ग्राफ्ट काउंटिंग की जा सकती है घर बैठे। जैसा कि आप YouTube में देख सकते हैं कितना फ्रॉड हो रहा है, कितना फ्रॉड लोग जो हैं कम ग्राफ्ट लगा रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के जो है अपने आप को ईमानदार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक क्लिनिक नहीं, मेरे ख्याल से करीब 80% क्लिनिक जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में ग्राफ्ट की चीटिंग करते हैं। क्योंकि जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए जाते हैं ना, तो आप कितना पैसा देंगे वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो है आप इम्प्लांट करते हैं। अधिकांश जगह पर ग्राफ्ट के हिसाब से चार्ज लिया जाता है और वो ही सही है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट एक झोल है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो हमारे इस चैनल ने जो है कई सारी चीज़ों की शुरुआत सबसे पहले की है इंडिया में, इंडियन यूट्यूब में, ठीक है। तो आज हम फिर से एक और नई शुरुआत करने वाले हैं, तो इसका जश्न मनाते हुए दोस्तों वो जो लाइक का बटन है ना, उस लाइक के बटन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स अलॉट भाई, थैंक्स अलॉट। और पहली बार अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जो सब्सक्राइब का ऑप्शन है ना, वो सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले वो वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और अपने भाई का वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो दोस्तों ये जो आप पिक देख रहे हैं ये मैंने बहुत ही इजी सा पिक लिया है जिसको आप नॉर्मल अपने नेकेड आई से जो है काउंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये इजी और सरल सा पिक इसलिए लिया ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। और मैं चाहता हूँ कि आप भी जो है इस ग्राफ काउंटिंग के ये जो ट्रिक है इसके ऊपर अपना योगदान दें। इस बंदे का जो है बोला गया है 4000 ग्राफ्ट लगे हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 4000 ग्राफ बिल्कुल नहीं लगे हुए हैं। तो आप अपना इंटेलिजेंस यूज करते हुए ऑन द काउंट ऑफ थ्री नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ये कितने ग्राफ्ट लगे हुए हैं। लेट्स सी आप कितना क्लोज पहुंच सकते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ ग्राफ्ट की काउंटिंग में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1, 2, 3। तो आपने लिख दिया होगा, चलिए तो हम ट्राई करते हैं कि ये कितने ग्राफ्ट लगे हैं। इसके लिए कुछ बुनियादी बातें मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जब भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन किसी का होता है तो उसकी जो ये आपको जो फ्रंट हेयर लाइन दिख रही ना, इस फ्रंट हेयर लाइन में करीब करीब जो है ना 100 से 120 के आसपास जो है ग्राफ्ट इम्प्लांट किए जाते हैं, अगर वो जिगजैग पैटर्न की नहीं है तो। जिगजैग पैटर्न में क्या होता है उसके लिए हम अलग वीडियो बताएंगे, अभी के लिए बता रहा हूँ 100 से 120 के आसपास या 130 140 भी हो जाता है कभी कभी, एवरेज की बात कर रहा हूँ, इतने ही ग्राफ्ट उसके फ्रंट रो में बस जो है ये जो रो है यहाँ पर इम्प्लांट होते हैं। ये पहली बुनियादी चीज। दूसरी बुनियादी चीज, अगर सर्जरी जो है सिमेट्रिकल है, पूरी तरीके से एक सी सर्जरी हुई है, मींस एक ही पैटर्न में पूरी सर्जरी हुई है, कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा नहीं है, तो हम जो है पूरे ग्राफ्ट को काउंट नहीं करेंगे, हम आधे ग्राफ्ट को काउंट करेंगे और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको मिल जाएगा एग्जैक्ट या अप्रॉक्स नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो कि इम्प्लांटेड है। तीसरी बुनियादी बात हम क्या करेंगे, हम कॉलम्स और रोज में जो है काउंटिंग करेंगे। अब जो लोग इस भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं, कॉलम एंड रोज ये क्या चीज़ होती है, तो आप इस वीडियो को देखिए, आप समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा बहुत अगर आपसे मैथ्स आता है तो आप ये चीज़ कर पाएंगे। चलिए आप इस सर्जरी को हम जरा गौर से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 4000 ग्राफ्ट इनको बताया गया है जो कि बिल्कुल भी 4000 ग्राफ्ट नहीं है। तो इस सर्जरी का पैटर्न देख लीजिए, इस जगह पर इनको थोड़ी सी डेंसिटी दी गई है और इस जगह पर भी थोड़ी सी डेंसिटी दी गई है, इस जगह पर जो है डेंसिटी कुछ खास नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इतने हिस्से का जो है हम काउंटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये इतना हिस्सा जो है सिमेट्रिकल है, बीच में करीब करीब एक ही पैटर्न में जो है सर्जरी हुई है, तो हम इसको बीच में से ऐसा कर लेते हैं और ऊपर के ये कॉलम्स और रोज को जो है एक एक काउंट कर लेते हैं। चलिए तो हम जल्दी जल्दी इसको काउंट कर लेते हैं, आधा ही काउंट करना है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
करीब करीब हम आधा पहुंच चुके हैं 13, 13 दूनी 26, तो करीब करीब 26 यहाँ पे हमको कॉलम्स मिल चुके हैं। अब जरा हम ये सबसे वाला, ये वाला रो सबसे बड़ा है, तो हम मैक्स टू मैक्स लेके चलेंगे। मैक्स टू मैक्स मतलब जो भी नंबर निकलेगा ना वो मैक्स टू मैक्स है, मतलब उससे ज्यादा ग्राफ्ट नहीं हो सकते, उससे कम ही ग्राफ्ट होंगे। ठीक है, तो हम जरा रोज को काउंट कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए रोज को काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। चलो एक और बढ़ा देते हैं 20, सॉरी एक और बढ़ा देते हैं 20। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ इतने एरिया की बात करें, इतने एरिया की बस बात करें, तो हम जानते हैं कि 26 जो है कॉलम्स हैं और करीब करीब 20 जो है वो रोज हैं। मीन्स 26 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू 520। मीन्स हमारे इतने एरिया में करीब करीब अप्रॉक्स 520 ग्राफ्ट जो है इम्प्लांट किए गए हैं। चलिए तो अब हम इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ भी हमको क्या करना है, रोज एंड कॉलम्स में ही चीजों को देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। चलिए 14 रोज हमको यहां पे दिख गए हैं। अब लेट्स काउंट द कॉलम, कोई भी एक कॉलम उठा लीजिए, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, कोई परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, हम यहां पे अप्रोक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 14 हमको क्या मिल गए हैं, रोज मिल गए हैं। हम कॉलम्स को ट्राई कर लेते हैं, कॉलम्स कितने होंगे यहां से देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के आसपास है करीब। तो यहां पर 14 रोज और 17 कॉलम्स के आसपास जो है आया है, 14 × 17 करीब 240 के आसपास, 238 के आसपास जो है आपको यहां पे ग्राफ्ट मिल जाएंगे। पहले हमको मिले हुए थे कितने, 520, उसमें 238। इस वाले पैटर्न के मुताबिक ही ये वाला पैटर्न है, तो इसमें भी हम 238 जोड़ देते हैं। चलो दो और जोड़ देते हैं, 240 समझ लेते हैं, हमारे लिए इजी पड़ेगा मैथ्स करने में। 240 चलो 250 समझ लेते हैं, 250 मींस 500। पहले मिले थे कितने, 520, और अभी मिले हैं हमको कितने, 250, और इस तरफ भी 250, तो करीब करीब कितने हो गए 500। ये 1020 ये हमारा एग्जैक्ट काउंट आया है इस ग्राफ्ट का, मतलब 1000 के आसपास जो है ग्राफ्ट, और ये मैक्स टू मैक्स है, ये कहीं से भी कम नहीं है। मींस इस बंदे को अगर किसी ने ये बोला होता कि आपके 1200 ग्राफ्ट लगे हुए हैं, लगाए गए हैं, तो इसके साथ फ्रॉड नहीं माना जाता। अगर इसको बोला गया है 1500 ग्राफ्ट लगाए गए हैं तो ये फ्रॉड है। अगर इस बंदे को बोला गया है 2000 ग्राफ्ट लगाए गए तो फ्रॉड है, 2500 बोला गया तो फ्रॉड है, उसके बाद जितने भी आगे बढ़ाए गया हो, अगर इससे ज्यादा ग्राफ्ट बताए गए हैं तो वो फ्रॉड है। इसको बताया गया है 4000 प्लस ग्राफ्ट। आपका वैसे कैलकुलेशन क्या था, नीचे लिखिएगा जरूर कि आपको, आपका क्या कैलकुलेशन था और आपने क्या फील किया इस चीज को लेके, कितना क्लोज थे आप कैलकुलेशन में। तो मेरा यही मकसद था कि आपको ये समझाना कि रोज एंड कॉलम का यूज करके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का यूज करके, इसमें कुछ थोड़ा सा पैटर्न आपको फॉलो करना है, और आप अप्रोक्स नंबर ऑफ, क्लोज टू द अप्रोक्स नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो आपको इम्प्लांट किए गए हैं उस तक पहुंच सकते हैं। वीडियो ये थोड़ा सा पजल्ड आप में से कई सारे लोगों को लग सकता है, ठीक है, लेकिन मेरे आगे आने वाले जो सीरीज रहेंगे ग्राफ्ट काउंटिंग के, उसको आप जो फॉलो बिल्कुल जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें आपको जो है मैं और अच्छी तरीके से, मेरी थोड़ी समझाने का तरीका भी और ज़्यादा इम्प्रूव होगा और ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो अगर आपको लगता है कि भाई इस टाइप का वीडियो पूरे YouTube में, मुझे पता है नहीं है यार भाई, पूरे YouTube में नहीं है, आपके और हमारे इसी चैनल पे आएंगे इस टाइप के वीडियोस, ठीक है। तो अगर आपको लगा है कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद लगा है, या आपको कुछ लगा है कि भाई हाँ लगा कि कुछ किया है भाई ने, तो वो जो लाइक का बटन है ना, उस लाइक के बटन को फोड़ डालो यार, फोड़ डालो। और ये ग्राफ्ट को किस तरीके से गिना जाता है, अलग अलग पैटर्न के ग्राफ्ट को, अलग अलग डेंसिटी के ग्राफ्ट को, अलग अलग स्प्रेडिंग डेंसिटी कॉर्नर्स, ये सारी चीजों को अगर आपको समझना है
तो आपको वो जो सब्सक्राइब का बटन है, उस सब्सक्राइब के बटन को अभी तक अगर आपने क्लिक नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पे जो है ये ग्राफ्ट काउंटिंग का स्पेशल पैटर्न जो है आप शेयर करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर बिल्कुल शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैं ग्राफ काउंटिंग के ऊपर बहुत सॉलिड कैलकुलेशन वाले वीडियोस और लाने वाला हूं, ताकि आपका बेवकूफ कोई भी ना बना पाए, आपको कोई भी बेवकूफ ना बना पाए। आपको सिर्फ एक क्या करना है, आपको अपना पिक लेना है, अच्छे से पिक लेना है, आधा घंटा भी नहीं, 15 या 20 मिनट का टाइम, लेंथ, ब्रेड, रोज, कॉलम करना है और अप्रॉक्स आपको उस डॉक्टर के सामने बता देना है, बस।